नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत एक टाउन हॉल जो पुरानी नगर पालिका हुआ करती थी और रामलाल जी दलाल द्वारा यहां पर 1952 और 54 के दरमियान इस भवन का निर्माण कराया गया था, इसका पुनर्निर्माण हो रहा है और इसको अपने तरीके से एक बार फिर से नया लुक दिया जा रहा है। और बिल्कुल ही आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर जिस तरह से पुराने राज दरबार परिवार में जिस तरह से महल हुआ करते थे और उनमें जिस तरह से कलाकृति की जाती थी, उसी तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है और ये सर्व समाज के लिए एक टाउन हॉल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और जैसा कि नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने भी बताया कि यहाँ पर सर्व समाज के लिए एक बैठक व्यवस्था की जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पर सर्व समाज के लिए इसको उपयोग में लाया जाएगा। और इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया और उनकी पूरी टीम यहाँ पर बार बार विजिट भी कर रही है और देख रही है किस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है और किस तरह से इसको उपयोग में लिया जाएगा। इस संबंध में हम नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये भवन बनेगा और किस तरह से इसको उपयोग में लिया जाएगा। तो इस संबंध में हम आइए चलते हैं और नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया से बात करके और पता करते हैं कि किस तरह से इसकी कार्य योजना और किस तरह से इसको उपयोग में लिया जाएगा और किस तरह से ये सागवाड़ा के सर्व समाज के लिए उपयोग में लिया जाएगा। सागवाड़ा के नगर की जनता को सादर नमस्ते, आपको 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अभी हम नगर पालिका के द्वारा विकास के कार्यों की कड़ी में हम नगर के मध्य मांडवी चौक पे जो सन 1952 से जो टाउन हॉल बनाया है, हमारे पूर्व चेयरमैन माननीय रामलाल जी दलाल साहब ने प्रथम चेयरमैन के रूप में उनकी विकास की सोच के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहला भवन ये टाउन हॉल के रूप में उन्होंने बनवाया था। उस भवन को सन 1952 से लगा करके लगभग 70 वर्ष आज होने आए हैं, तो वो भवन कुछ खुर्द बुर्द हो गया था। तो हमने चुनाव के दौरान हमने घोषणा की थी कि हम इस भवन को पूरा नवीनीकरण करके, उसका रंग रोगन करके, उसको एक हेरिटेज लुक दे करके और हम जनता के लिए उसको 36 कौमों के लिए, उनके सामाजिक मीटिंगों के लिए, धार्मिक मंडलों के मीटिंगों के लिए उसको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम इसका कार्य करा करके और हम इसका लोकार्पण करेंगे बहुत जल्दी शीघ्र। मैं सभी जनता को एक बार पुनः 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और देता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमें जिस विकास की सोच से हमें चुना है, हमारी सोच भी विकास की सोच है और हम लगातार विकास कर रहे हैं और आपको इसके परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं। जो नगर के मध्य भी टाउन हॉल है उसको हम नवीनीकरण करके आपको समर्पित करने जा रहे हैं, धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा, नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने बताया कि यह सर्व समाज के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए बनाया जाने वाला टाउन हॉल के रूप में सागवाड़ा शहर के लिए एक धरोहर होगी और एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसको जाना जाएगा और बहुत ही जल्द ये सागवाड़ा शहर के लिए एक उपयोगी भवन साबित होगा। कैमरामैन मुकेश जोशी के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, सागवाड़ा लाइव न्यूज, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, धन्यवाद।